इंसान घड़ी की तरह होता है और रिश्ते उस घड़ी के अंदर पुर्जे की तरह, और एहसास होता है उस वक्त की तरह जो पल पल हर पल सिर्फ बदलता रहता है। वो रुकता नहीं है, वो बस आगे बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। एहसास में और वक्त में ये फितरत होती है कि वो बदलता ही है, और अगर तुम उसकी फितरत से प्यार नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं उसे ब्लेम करने का। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि एक ऐसा बच्चा है जो एक खिलौने के लिए रोता है और वो खिलौना मिल जाने पर भी उसे जिंदगी भर संभाल के रखता है। कुछ होते होंगे, लेकिन अक्सर बच्चे खिलौना मिलने के बाद उसे तोड़ गया तो फेंक देते हैं या फिर एक कोने में पड़ा रहता है। तो बच्चा खिलौने के लिए तब तक रोता है जब तक उसे पा ना ले। एहसास मर नहीं सकता, वो अक्सर बदलता रहता है। ओके, तो वेलकम टू माय पोएट्री वर्ल्ड, और आज अपन बात करने वाले हैं इसी एहसास के बारे में। कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैं जहन के अंदर जो पड़ा हुआ है, जिस पे हल्की सी धूल जम चुकी है, वो सुना दूंगा। गुड बाय कहने से कभी भी रिश्ते का अंत नहीं होता है। रिश्ता खत्म तब होता है जब पास रह के दूरियां बनने लगे, जब उसके होठों से झूठ निकलने लगे, जब वो देखे तुम्हें लेकिन उसकी आंखों में तस्वीर किसी और की उभरने लगे, वो शख्स जो तुम्हारे पास रहे और धीरे धीरे बदलने लगे और तुम्हें पता भी ना चले, तब एक रिश्ता खत्म होता है। वरना गुड बाय से तो सिर्फ कुछ पल की दूरियां आती है। और मैंने सुना था कि गुड बाय इसलिए भी कहा जाता है ताकि हम फिर से मिल सके, तो ये भी एक है कि बेशक तेरे जाने के बाद भी मोहब्बत होगी, बेशक होगी, मोहब्बत होगी, बेशक होगी, लेकिन बस अब मोहब्बत पे एतबार नहीं होगा। कितना वक्त लगता है एहसास बदलने में इंसान का। सुनो, दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे थॉट्स बता रहा हूं तुम्हें, दो तरह के लोग होते हैं जिनका फोन अगर खराब हो जाए तो वो शॉप पे जाते हैं और उस फोन से कंपैरिजन करके कि यार वैसा था वो अच्छा था, मैं तो वैसा ही ले लूंगा, वो वैसा ही ले लेते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनका फोन खराब हो जाने के बाद वो शॉप पे जाते हैं और उससे बेटर लेते हैं। तुम दूसरे वालों में थी, तुम्हें बहुत बेटर मिल गया, बहुत बेटर, मुझसे बहुत बेटर। और आज मैं इस एक कमेंट देखा मैंने, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा मेरे को। साले तू ये उल्टे सीधे वीडियोस मत बनाया कर, मेरी वाइफ ने ये वीडियो देख लिया और मुझे सेंड किया, बेवजह रूठी हुई है, लब लब ऐसे। तो भाई मना मना, और तू नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? और अगर तू अपनी को नहीं मनाएगा तो फिर किसकी को मनाएगा? और तुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी वाइफ को नहीं मनाएगा, किसी और को मनाएगा? तो जब तू अपनी को नहीं मना पा रहा तो दूसरी को क्या मनाएगा? मतलब पहले तू अपनी को मना, अच्छा है ना, रूठ रही है, और क्या चाहिए जिंदगी में? बोरिंग लाइफ से बोर नहीं हुआ तू? पागल आदमी, मना चुपचाप जाके। और मेरे पास कुछ हल्का बहुत लिखा हुआ भी था, वो मैं सोचा आप लोगों को सुना दूं। बहुत पुराना, मतलब प्यारा लगा, मैं पढ़ रहा था अपनी बुक्स के बाद में मैंने देखा थोड़ा बहुत अपना पढ़ लेता हूं, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि महसूस करने की कोशिश करना, समझ में आया ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक फील आया, बस अच्छा लगा। होता ना कुछ गाने समझ में नहीं आते लेकिन सुन के अच्छा लगता है। अब तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे वही ट्रेंड करते हैं जो समझ में नहीं आते, पता नहीं उनकी कौन सी लैंग्वेज होती है, बट अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, वो जो वॉइस म्यूजिक के साथ आती रहती है वो अच्छा लगता है। ओके, तो और व्लॉग भी देख लिया करो, क्या चाहते हो, बनाना छोड़ दूं फिर से वही जिंदगी जीने? एक फिल्म भी देखी थी जो अपने पास्ट के अंदर फंस जाता है, शायद कौन सी फिल्म थी यार, दिमाग से निकल गई यार, बड़ी कमाल की थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये रियलिस्टिक फिल्म इसलिए नहीं चलती ना क्योंकि वो तो सबकी जिंदगी में चल ही रहा है। सबकी जिंदगी में क्या नहीं चल रहा है? एक लड़की जो अचानक से तुम्हारे सामने आई है, उसके बाल एकदम से हवा से बात थोड़ा करने लगे, और वो धरती पे इसलिए पैदा थोड़ा नहीं होता कि तुमसे प्यार कर सके और तुमसे टकरा सके, तुमसे मिल सके। तो ये देखने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि हमें उस, हमारा कोई लेना देना नहीं है उस सिचुएशन से, तभी तो देखने मजा आता है। जो रियल लाइफ जो चल रही है वो कौन देखना चाहता है? तो उसी के ऊपर लिखिए। एक बंदा जो आगे जा चुका है, अब तुम डिसाइड कर लेना यार क्या लिखा है क्या नहीं, मतलब मैं फिर से वही जिंदगी जीने सालों पीछे आया हूं और देख रहा हूं उस सामने खड़े मंजर को। जो पल मैंने यहां बिताए थे वो लम्हा आज यहां नहीं है, जो वक्त मेरा यहां गुजरा था वो तभी गुजर गया था।
वो लौट कर वापस कभी यहां पे नहीं आया। इन नए लोगों की तरह ये पुराने रास्ते भी अनजान लग रहे, देखते सब है लेकिन पहचानता कोई भी नहीं। क्या अब मैं वो नहीं रहा जिसे जानता था हर कोई? वक्त तो नहीं बदला, शायद मैं ही बदल गया हूं। कहीं रास्ते खड़े हैं और मैं चल रहा हूं, पुरानी महबूबा की नई गलियों से गुजर रहा हूं। यहां भी सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। ना उसकी गली के नुक्कड़ के पास वो खंभा रहा जिसे पीठ लगाकर मैं घंटों तक खड़ा रहता था, और तुम भी लोगों की नजरों से नजरें चुरा कर देखा करती थी। तेरे घर के पास वाले घर को तोड़कर अब कुछ दुकानें बन गई हैं। आज समझ में आया तुम्हारी उस बात का मतलब जो तुम उस वक्त कहा करती थी कि बदलना जरूर होता है, बदलना जरूरी होता है, तभी तो कि हर इंसान की पहचान बदलते हुए वक्त के साथ बदली जाती है। तो ये कुछ उस जमाने में या उस पता नहीं कितने साल पहले का लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ओके, सो आज की स्टोरी टेलिंग में इतना ही था। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी छोटा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं थोड़ा बड़ा बनाने की, स्टोरी टेलिंग करने की, व्लॉग बनाने की। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं भी नहीं आऊँगा। चलता हूँ, बाय, फिनिश।